जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ A1 पे क्लिक किया, तो A1 पे जो क्लिक करने का कोड है वो कोड उसने कन्वर्ट कर लिया। फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, तो जो नेम लिखने का कोड है वो डाल दिया रोल, इस तरह से कर देता है। अगर आप इसकी कोडिंग में एक, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं मैक्रो, तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें मैंने डाल दिया मान लीजिए कि सिटी, और मान लीजिए इसके डाल दिया मैं, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ लोकेशन। तो ये सिटी और लोकेशन जो टाइप किया हमने, इस टाइप करने का एक कोड वीवी ने जनरेट किया। अगर मैं इसको एडिट माइक्रो पे जाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे हम A1 पे क्लिक किए तो इसने कोड लिख दिया रेंज A1.select, और हमने सिटी लिखा तो सिटी लिख दिया, रेंज दे दिया, लोकेशन लिख दिया। अगर हम नॉर्मली कोडिंग करेंगे तो भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर मान लीजिए इसी काम को मुझे अपने कोड भी लिखना, खुद से कोड करना हो, तो मैं भी ये लिखूंगा कि रेंज A1.select और यहाँ सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सिटी। आप बोलोगे सर आपके कोड में, ऊपर दी गई कोड में तो डिफरेंस है, आपने सिलेक्शन डॉट वैल्यू दिया है, वहाँ एक्टिव सेट डॉट फॉर्मूला दिया है। तो जैसे कि हम एक ही चीज को कई तरह से बोलते हैं ना, तो यहाँ भी वही बात होता है। उसी चीज जब रिकॉर्डिंग माइक्रो जब करता है तो अपनी पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जी हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। अच्छा, किसी ने वेबकैम ऑन कर रखा है तो प्लीज ऑफ कर ले, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि वेबकैम ऑफ कर ले। पर जब ऑफिशियल माइक्रो जब हम यूज करते हैं, जब माइक्रो जब कोड करता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बॉस से छुट्टी लेनी हो, तो अगर आपको लिखित में देना है तो आप लिखित में से एक पेपर पे लिखोगे बॉस कल छुट्टी चाहिए, कल मैं नहीं आऊंगा, ऐसे तो लिख सकते हैं। हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म को, एक परफॉर्मा को फॉलो करेंगे। ओके, और दूसरी चीज होती है, लेकिन यही चीज को अगर मुझे बॉस से मौखिक रूप से बोला है बस मैं कल नहीं आऊंगा, जस्ट बोल के आना है, तो उनका श्रीमान महोदय सब्जेक्ट विषय तो बोलूंगा, कैजुअली बोल के चला आऊंगा। तो सेम चीज यही होता है, जब हम लिखते हैं कोडिंग तो अपने जरूरत के हिसाब से ही कोड लिखते हैं, और जब कोड रिकॉर्ड होता है तो पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज को कोड करता है। तो ये कह सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे ये रिकॉर्डिंग माइक्रो कोड कर देता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद कोड कर देता है तो हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों, जब मेरे पास ऑलरेडी कोड करने के लिए टूल्स अवेलेबल है, तो फिर हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखे। तो ये चीज को जान लीजिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की एक लिमिटेशन है। ये समझिए कि अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 10% तक ही इफेक्टिव है, 90% आपका सिग्नल होगा, जैसे कि आपकी कनेक्टिविटी हो गया, कंडीशंस हो गया, लूपिंग हो गया, ये सब चीजें डायनेमिक नहीं होता है। तो फिर इसका यूज क्या होगा। इसके दो यूजेज हैं। पहला लर्निंग पर्पज से, जैसे आप लोग नए हैं सीखने चाह रहे हैं, अब मान लीजिए आपने ये चीज भूल गए कि भाई यहाँ पेस्ट स्पेशल करने का कोड क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ वैल्यू लिख के ओके कर देंगे। अब इसको करते ही आप देखेंगे यहाँ डेवलपर में, मैं जाके इसकी कोड दिखाता हूँ मैक्रो 3 की, तो पेस्ट स्पेशल करने का कोड ये रहा। तो आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने मैक्रो में, अपने रिपोर्ट ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको सब चीज का कोड याद नहीं होगा, तो वहां पे रिकॉर्डिंग माइक्रो बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से हम सीखते समय कि अपने फीचर्स जिसकी कोड हमें पता नहीं है लेकिन वो अप्लाई करना है, ऐसे चीजों का कोड हम लिख सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है कि
कि अगर मान लीजिए एक्सेल सीख लेंगे फिर तो इसका यूज नहीं है, जैसे मैं बीबीए सीख चुका हूं मुझे आता है, तो क्या मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो यूज नहीं करता? जी हाँ, रिकॉर्डिंग माइक्रो का हम सीखने के बाद भी यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग माइक्रो से रिलेटेड हम आपको बताते हैं। हम यहाँ ओपन जाते हैं और एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कोई डेटा को ओपन करते हैं। चलिए डेटा, इसी डेटा को ओपन करते हैं। हो गया, चलिए ये डेटा है इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और न्यू सीट पे मैं इसको पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ, और बाकी फाइल हम बंद कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑफिस 16 है क्या? ऑफिस 365 है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। मंथली इसका 600 रुपये के आसपास विभिन्न होता है। आपके पास समझ आया? हाँ, मेरे पास अभी 4 लाइसेंस है तो मैं दे सकता हूँ 4 लोगों को, 430 रुपये के आसपास लगेगा टोटल, कि मेरे एंड से थोड़ा सस्ता हो जाता है मंथली। उसमें सर जो फॉर्मूले रहेंगे फॉर्मूले उसमें ऐड होंगे? हाँ, वो अपने आप ऐड होता है 365 का, यही तो फायदा है कि कोई भी अपडेट होता है अपने आप आ जाता है। इसका मंथली थोड़ा सा है कि मंथली पेमेंट देना होता है, क्लाउड पे भी इसका स्पेस मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, अब मुझे क्या करना होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मंथ ऐड कर देता हूँ, यहीं पे सही रहेगा फिल्टर में। तो मैं यहाँ पे मंथ ऐड करता हूँ, हाँ कीबोर्ड में प्रॉब्लम लग रहा है। लीड है सर, 365 नया आया सर, इसके बारे में मैं भी रिसर्च ज़्यादा नहीं किया हूँ अभी। क्योंकि मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ सर, जैसे बहुत सा है, जैसे एक्स लुकअप है, एक्स मैच है, IFS है, इफ्स है, स्विच है, बहुत सारे फॉर्मूला है इसमें। उसके बाद इसमें ये है पावर क्यूरी है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, कुल फीचर्स है। तो अभी जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, डंप डेटा है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लोगों से रिक्वेस्ट आता है, वो बोलते हैं कि सर प्लीज मुझे मंथ का डेटा, एक जैन का डेटा दे दीजिए या मार्च का डेटा दे दीजिए या फेब का डेटा दे दीजिए। तो उनको मैं पूरा डेटा नहीं भेजना है, वो जो डेटा मांगेंगे वही देना। क्या करना होता है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग माइक्रो को ऑन कर देता हूँ। मुझे क्या करना होता है कि मुझे इसमें इस फिल्टर में से जैन को सेलेक्ट करना होता है, ये सारे प्रोसेस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। और याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग माइक्रो में कभी भी सिलेक्शन माउस से मत कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट से कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट से। उसके बाद इसको कॉपी करने से पहले मैं कंट्रोल जी और यहां स्पेशल पे जाऊंगा, और यहां पे हम विजुअल सेल्स ओनली सिलेक्ट करेंगे, जी हाँ विजुअल सेल्स ओनली, और फिर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको एक नई सीट पे पेस्ट करेंगे,
यहाँ नहीं सीट, अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी सीट टू सीट थ्री है, फिर भी मैं इस इसको नहीं लूंगा, मैं एक नई सीट को ऐड करूंगा, यहाँ से एक नई सीट ऐड करूंगा, फिर इसको यहाँ से पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद सीट का नेम चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ जैन, और फिर इस फाइल इसको मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे मेल कोई पर्टिकुलर सीट तो मेल नहीं कर सकता, मुझे अटैच तो कोई फाइल ही करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा कि इसको राइट क्लिक करूंगा और यहां से मूव एंड कॉपी करूंगा, क्रिएट कॉपी, और यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे बुक, एक न्यू बुक, एक नया फाइल एंड ओके, और फिर इसको सेव करेंगे और यहां लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ताकि लोकेशन कहां चाहिए। तो मैं यहां डेस्कटॉप के एमएफ में डेटा में जाता हूं और इसका नाम जैन और इसका टाइप जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक्सेल वर्कबुक एंड इसको सेव कर लेता हूं और फिर इस फाइल को क्लोज कर लेता हूं, फिर यहां पे वापस आता हूं। अब एक कोड में यहां पे हमने एक कोड रन कर दिया, अभी कोड वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। तो इस कोड के अंदर थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। चलिए एडिट करते हैं। तो F1 डॉट सेलेक्ट सही है, रेंज A1 से V32। अब यहाँ पे दिक्कत है, अब 32 हो सकता है कि 35 हो सकता है कि 300, 500, 1000 या कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपने देखा था कि मैं सिर्फ A1 पे क्लिक किया था और हम फिल्टर अप्लाई कर दिए थे, कोई रेंज नहीं दी सेलेक्ट किया। तो यहाँ भी हम A1 से ही अपना फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी कोड को मैं डिलीट कर दिया, उसके बाद A1 को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन एंड डाउन स्पेशल कॉपी, सीट एक्टिव होगा, पेस्ट हुआ, सीट 4 डॉट सेलेक्ट, एक गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार सीट 4 ही ऐड हो, सीट 5, सीट 6 हो जाए ऐड हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक्टिव सीट डॉट पेस्ट है, तो सीट 4 के जगह पे हम एक्टिव सीट डाल देते हैं, क्योंकि जो सीट ऐड होता है वही हमारा एक्टिवेट होता है। सीट 10 सेलेक्ट, अभी ये जो आपका है ये सारा हटा दीजिए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू कोड है। और जैन डॉट कॉपी, अब कॉपी के जगह पे मैं मूव कर देता हूं और जैन नहीं, क्योंकि एक्टिव सीट होना चाहिए ना यहाँ पे, एक्टिव सीट ले जाता हूँ, एक्टिव सॉट डॉट मूव। अब ये डायरेक्टरी कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए। और यह एक्टिव फाइल डॉट सेव एज, जैसे मूव करेगा तो एक नई फाइल ऐड होगी और उसी में कोड हमारा डेटा हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव सीट डॉट मूव का काम यही है कि सीट को एक नई फाइल में मूव कर देना। और फाइल हमारा सेव कर दिया, विंडो डॉट क्लोज हो गया और सीट 1 हमारा सिलेक्ट हो गया, तो कोड हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन ये हमेशा अप्रैल का ही डेटा देगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस मैक्रो को रन करूं तो मुझसे कि आपको कौन सा कोड चाहिए, जो कोड हम यहां डालें उसी का मैक्रो शो करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हाँ सही बोला, सही सही। तो यहाँ ऊपर में इनपुट बॉक्स डालेंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे M लेता हूँ कि M इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ डालेंगे एंटर मंथ और इसको क्लोज करते हैं। अब M क्या है? देखिए इनपुट बॉक्स क्या करेगा, एक पॉपअप देगा जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं, जो टाइप की गई वैल्यू को स्टोर करेगा एम के ऊपर। एम क्या है? अगर टेक्निकली बोले तो एक वेरिएबल है, डेटा टेम्पररी डेटा सेविंग लोकेशन है, या फिर हम सीधी भाषा में समझाएं, जो आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते थे
तो एक्स वाई 100 लेते थे ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेते थे, वही एक्स वाई जेड ए बी सी डी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक्स इक्वल टू 100, जहां जहां 100 की जरूरत होती थी वहां पे हम एक्स यूज करते थे, उसी तरह से एम इक्वल टू इनपुट बॉक्स डाल दिया, अब इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू डलेगी वो एम के इक्वल हो जाएगी, और जहां जहां वो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वहां वहां एम को ले लेंगे। जैसे कि यहां अप्रैल के जगह पे हम एम का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे भी एम का यूज करेंगे, और यहां जैन के जगह पे एम होगा, लेकिन ए एम हम ऐसे देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एम डॉट एक्सलेस एम का ही सेव कर देगा, एम पे जो वैल्यू स्टोर है उसके नाम से सेव नहीं करेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्ग्रेनेट के साथ मर्ज करना होगा इस तरह से। अब मिलाए परफेक्टली वर्क करेगा, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। तो हम यहां माइक्रो पे आते हैं और इसको रन करते हैं, इम्प्रूव वर्क्स। तो मैंने यहां पे जून दिया, अब मैं अपने लोकेशन पे जाऊंगा, देखेंगे कि जून नाम का फाइल क्रिएटेड है। एक मेरे बीजी को ओपन हो गया। इस डेटा में ना है, तो हमने ये चीज एग्जांपल ये दिया कि आगे चल के जब आप रिकॉर्डिंग माइकों का यूज करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम को लिखने में, तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमें इतना सारा लाइन कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस कुछ कोड को डिलीट, कुछ कोड को ऐड, कुछ कोड को मॉडिफाई कर दिया और हमारा ऑटोमेशन क्रिएट हो गया। और इसका यूज हम जरूर करते हैं, इसके दो फायदे होता है। पहला फायदा होता है कि कोड लिखते समय जो एरर होता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होता है जो मुझसे अक्सर हो जाया करता है वो नहीं होता है। दूसरा, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है सर। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज हम इन चीजों के लिए करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं वीबीए मैक्रो को ट्रिगर करने का, हम इसको रन कैसे कैसे करेंगे। तो इसको रन करने का दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मैक्रोज में जाएं और यहां से ट्रिगर कर दें। दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन पे जाएं और इसका शॉर्टकट क्रिएट कर दें। वो शॉर्टकट क्रिएट करते समय ध्यान रखिएगा वो शॉर्टकट किसी को अलाउड पहले से ना हो, मैंने कि जैसे कंट्रोल सी तो कॉपी करने का अलाउड है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में ऐसे शॉर्टकट अप्लाई करें, जैसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू ये किसी को अलाउड नहीं है, तो ऐसे शॉर्टकट रन कर सकते। अगली बार जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूंगा ये मेरा मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। दूसरा, हाँ लूप लगा सकते हैं वो तो आगे, और इसको और ज्यादा लूप वगैरह जो है ये चीजें हमें खुद से करनी पड़ेगी, इसके लिए रिकॉर्डिंग माइक्रो हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद अगर मुझे माइक्रो बटन से रन करनी है तो यहाँ पे डेवलपर टाइप में ही इंसर्ट का ऑप्शन है, इसमें दो बटन से, एक आपका आता है फॉर्म कंट्रोल। आप फॉर्म कंट्रोल को जैसे डिजाइन करते हैं तो ये आपसे पूछता है असाइन मैक्रो, आप मैक्रो असाइन कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है कि अगर मैं आपने यहां से कमांड बटन लिया है तो कमांड बटन ड्रैग करने के बाद इस पर आपको कोड करना पड़ेगा। कैसे कोड करेंगे, जस्ट इस पर डबल क्लिक करें और यहां पे जस्ट उस मैक्रो का नेम लिख दे, आपका मैक्रो रन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, मैं कोई पिक्चर या कोई बटन खुद से इंसर्ट करना चाहता हूं, कोई ग्राफ, तो आप जैसे मैं सेप्स मान लीजिए हमने सेप्स ए ले लिया और फिर मैं यहां से डिजाइन किया
और इसमें मैं रन लिख देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूँ। और थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट में, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे रन क्लिक करूँ तो मेरा मैक्रो रन हो जाए। तो जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक कर, इसके ऊपर आपको राइट क्या हो गया, राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, राइट क्लिक कीजिए असाइन मैक्रो और फिर अपना मैक्रो असाइन कर दी। ये था मैक्रो को रन करने का ऑप्शन। तो हमने माइक्रो का दूसरा चैप्टर खत्म कर लिया जो कि है हमारा रिकॉर्डिंग माइक्रो एंड एडिट कोड्स इन द रिकॉर्डिंग माइक्रो। अब तीसरा माइक्रो आता है डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सेशन को भी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास डेवलपर टैब में हमने हमारे पास विजुअल बेसिक होता है। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो भी आप अल्ट एफ 11 करके ला सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, जहां से हम अपने माइक्रो को हैंडल करते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम खोलेंगे तो उसको तो इस तरह के विंडो आएगी। तो इसमें दो तीन चीज जरूरी है। ये आपका होता है कोड एरिया जहां पे हम कोड करते हैं, ये आपका होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ये अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक कीजिए, या फिर इसका शॉर्टकट होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे क्लिक करना होता है, शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, या फिर आप व्यू में जाके भी प्रोजेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा इसके नीचे होता है प्रॉपर्टी बार, अगर ये नहीं है तो आप यहां प्रॉपर्टी विंडो से इसका शॉर्टकट F4 है उससे ला सकते हो, या फिर व्यू में जाके ये यहां पे प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हो कोड करने के लिए। अब यहाँ पे एक्सप्लोर में देखेंगे कि जितने भी आपके पास माइक्रो फाइल ओपन होंगे सारों फाइलों का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा और हर फाइल का सीट नेम दिखेगा। अब कोडिंग कहाँ करना है, तो हम C1 पे डबल क्लिक करके भी कोड कर सकते हैं या C2 पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि इन जियो पे इस पे अगर आप कोड करते हैं तो दिक्कत ये होगा कि आपका माइक्रो जो है एक सीट से दूसरे सीट का रेफरेंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, एरर देगा। इसलिए हम यहाँ पे कोड नहीं करते। यहाँ पे कौन सा कोड होती है, तो इस सीट पे डबल क्लिक या वर्कबुक पे डबल क्लिक करके हम इवेंट मैक्रो, जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक क्लिक का इस्तेमाल होता है, देख क्लिक करने में माइक्रो 1 ओपन हो जाएगा। हम कोड करते हैं मॉड्यूल्स पे, तो मॉड्यूल्स कहाँ से इंसर्ट होता है, इंसर्ट यहाँ इंसर्ट में इंसर्ट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पे इंसर्ट करने से क्या होता है कि आपका ये जो माइक्रो है, ये माइक्रो आपके ही इसी वर्कबुक में सेव होता है। अब यहाँ पे एक चीज और थ्योरिकल पार्ट समझने की जरूरत है, टाइप ऑफ द माइक्रो, कि आखिर माइक्रो का टाइप क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए माइक्रो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा पब्लिक माइक्रो। अभी जो हमने रिकॉर्डिंग किया या हम जनरली रूल्स में जाके ये कर देते हैं, कोड कर देते हैं, वो हमारा पब्लिक माइक्रो होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कोडिंग है ये इसी फाइल के साथ, बुक फाइल के साथ ही सेव होता है, और जहां जहां ये बुक फाइल जाएगा हर जगह ये माइक्रो प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने फाइल अगर मिस्टर बीर सिंह को भेज दिया तो मिस्टर बीर सिंह इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और इस पे इसकी कोडिंग को यूज कर सकते हैं। साथ ही ये फाइल जहां जहां हमारा, जब फाइल को मैंने ओपन कर लिया और मैं जितना भी फाइल खोला हूं हर फाइल पे इसको माइक्रो में जाके रन कर सकता हूं, हर फाइल पे, बशर्ते ये बुक फाइल हमारा ओपन होना चाहिए। इसको हम लोग पब्लिक माइक्रो कहते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि अगर आप कुछ ऐसा कोड बनाना चाहते हैं जो एक्सेल का एक कमांड की तरह, जैसे कि आपका पिवट है, जैसे कि आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि एप्लीकेशन का पार्ट है और हर फाइल में नया पुराना फाइल में वो ऑलरेडी होता है, कैसे करें सॉरी तो उस केस में यहां पे हम क्या करेंगे, उस केस में हम पब्लिक माइक्रो नहीं पर्सनल माइक्रो करेंगे। रिकॉर्ड करते समय हम यहां से
पर्सनल माइक्रो लिख देंगे, तो पर्सनल माइक्रो से क्या होगा कि ये आपके ऑफिस लाइब्रेरी में जाके सारी कोड वाली इंफॉर्मेशन को सेव करेगा, और जैसे आप किसी दूसरी फाइल ओपन करेंगे उसके हर फाइल के माइक्रो लिस्ट में ये माइक्रो आपके पास होता रहेगा, शो करता रहेगा। मतलब ये कोई ऐसा ऑप्शन बनाना चाहते हैं जो फाइल का पार्ट बन जाए तो आप पर्सनल माइक्रो का यूज कर सकते हो। तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। आप चाहते हैं कि मेरे किसी एक एक्शन पे मेरा माइक्रो रन हो जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कहीं पर डबल क्लिक करूँ तो डबल क्लिक करते ही मेरा माइक्रो रन हो जाए, उस केस में हम इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जी हाँ, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो अब वापस आते हैं टॉपिक में कि हम यहाँ रूल्स पे आते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैं जो हमने कोडिंग कर रखी है इसके लिए जैसे रिकॉर्ड माइक्रो किया, हाँ, तो उसको इंप्लीट कर सकते हैं इवेंट माइक्रो में जाए, अगर हम क्लिक करें वहां से माइक्रो रन होना स्टार्ट हो जाए। हाँ, इवेंट माइक्रो पे जाके वो माइक्रो कॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं C2 पे गया, C3 पे सॉरी, यहाँ से मैं लोकेशन सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल जैसे मैं डबल क्लिक करूँ मेरा माइक्रो रन हो जाए, तो यहाँ पे आप देखिए बिफोर डबल क्लिक और बस उस माइक्रो का नाम लिख दीजिए आप। माइक्रो को कॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, माइक्रो रन ठीक है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो। जैसे कि आप अगर कोई माइक्रो खुद से बनाना चाहते हैं, आपने एक रूल इंसर्ट किया उसमें गए और यहाँ पे मैं सब लिखूँ या पब्लिक सब लिखूँ, दोनों बात बराबर होता है। और यहाँ पे माइक्रो का नाम जैसे कि टेस्ट और ब्रैकेट को ओपन किया एंड क्लोज किया। अब जो भी हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें इन दोनों के बीच में लिखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी हमें प्रोग्रामिंग लिखनी होगी हमें इन दोनों के बीच में ही लिखना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए वाली बात है कि जब आप कोड कर लेते हैं तो वो माइक्रो लिस्ट आपके देखिए इसमें आ जाएगा, टेस्ट आ गया। लेकिन माइक्रो नाम देने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप एक ही नाम दो माइक्रो को नहीं दे सकते, या फिर आप यहाँ पे माइक्रो के अंदर में कोई स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया टुडे, टेस्ट टुडे या डॉट डैश या किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर, सिर्फ अंडरस्कोर आप दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशल करेक्टर कोई नहीं अंडरस्कोर के अलावा। उसके अलावा आप 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते, जैसे Raj1, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे आप रन करने जाएंगे रन ही नहीं करने देगा ये Raj1 पे, जैसे क्लिक करेंगे ये Raj1 नाम का रेफरेंस पे आ जाएगा, देखिए Raj1। तो आपका जो सीट है वो 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक में होता है ना, एक्सेप्टेड तक होता है, तो 3 करेक्टर एंड नंबर्स को आप लिखने से अवॉइड करें। 4 करेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका ध्यान आप रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि माइक्रो हम लिखेंगे क्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइक्रो लिखते हैं तो मेनली हमारा 4 कोड ही सबसे पहले आता है। पहला आता है एप्लीकेशन, उसके बाद यहां पे एप्लीकेशन, दूसरा आता है हमारा वर्क बुक्स, तीसरा होता है हमारा सीट्स, चौथा होता है रेंज। तो मेनली 4 होते हैं, मेनली 4 हमारे ये होते हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं जैसे कि कोई सेंटेंस के लिए पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव वो सारी चीज होती है, ये पार्ट होते हैं। तो ये आपके 4 मेनली नाउन समझिए कि हम कोड में कुछ भी करेंगे तो 4 में से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक वर्कबुक ऐड करना है तो हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। अगर मुझे मान लीजिए एक सीट ऐड करनी है तो लिखेंगे सीट्स ऐड। मान लीजिए मुझे रेंज पे जाना है तो लिखेंगे रेंज A1 डॉट। तो अब यहां पे ये आता है कि आखिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा वर्कबुक डॉट ऐड होगा या वर्कशीट डॉट ऐड होगा या रेंज A1 डॉट ऐड होगा। हाउ कैन डिसाइड,
इसके लिए आपका एल्गोरिथम जवाब एल्गोरिथम डिपार्ट करता है। अगर हमने वर्कबुक ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास चार ऑब्जेक्ट हैं। वर्कबुक हम तब कॉल करते हैं जब उसके ऊपर, वर्कबुक के ऊपर हमारा जो कोड होता है, हमारा जो मतलब जो काम हम करना चाहते हैं वो वर्कबुक इफेक्ट कर रहा है, तो हम वर्कबुक का कोड से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा सी सीट से इफेक्टेड चीज़ है तो सीट, और रेंज इफेक्टेड द रेंज, या एप्लीकेशन जैसे कि आप अलर्ट को डिस्प्ले अलर्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ऐसे चीज़ में हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशंस, वर्कबुक, शीट्स, रेंज, चार मेन ऑब्जेक्ट हैं और इसी को यूज करते हैं। और कोड लिखने का सिंपल तरीका होता है आपका ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, कहाँ पे क्या करना है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स या एड्रेस कहिए और एक्शन। जैसे मुझे फाइल को सेव करना है तो फाइल सेव करने के लिए होता है वर्क बुक्स, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट आप यहाँ डिफाइन करेंगे, विथ एक्सटेंशन, उसके बाद सेव एज, और कहां पे सेव करना है उसका पाथ। और ध्यान रखेंगे हमेशा कोडिंग खाए तो कैप्स लेटर में या स्मॉल लेटर में करेंगे, उससे क्या होगा, देखिए मैं यहां पे वर्कबुक में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो मेरा डब्लू बड़ा नहीं हुआ। जैसे मैं स्पेलिंग को करेक्ट करूंगा आप देखेंगे कि मैं डब्लू बड़ा हो गया, इसका मतलब है कोड हमारा सही है। तो स्मॉल लेटर में लिखने से फायदा क्या होता है कि आपका उस ऑब्जेक्ट का पहला लेटर अपर में हो जाता है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये जो है हमारा कोड जो है हमारा करेक्ट है। क्लियर सर? तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, अगली हम क्लासेस में हम जो है इससे आगे पे डिस्कस इसके आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे सर।